हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के सोशल साइंस में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फुल्ली वीवीआई 2022 के लिए काफ़ी ये इंपोर्टेंट है। बहुत कम क्वेश्चन मात्र इस वीडियो में आप लोग को 15 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बिल्कुल पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार आने वाले हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको सबसे पहले मिल जाए और आसानी से आप लोग देख पाए, तो इसके लिए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। चलिए यहां पे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, आप लोग से पूछा जाए कि वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी होते हैं और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये लग रहा है कि उल्टा कैसे होता है, तो बिल्कुल जो ये उल्टा नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है। 1 अप्रैल से यहाँ पर होता है, हिंदुओं का नववर्ष स्टार्ट होता है, यानी हमारा अपना भारतीय जो है नववर्ष स्टार्ट होता है और 31 मार्च को इंड होता है, इसलिए इसको जो है वित्तीय वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेकेंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि दादा भाई नरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? यहाँ पे दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आ रहा है कि दादा भाई नरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब लगाया था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1868 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो ध्यान रखिएगा दादा भाई नरोजी ने लगाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 1868 में दादा भाई नरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के कार्य क्या है, मुद्रा का क्या होता है? तो यहां पे इनमें सभी होता है, मापन, संचयन, भुगतान, इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? यहाँ पर वित्तीय का मतलब होता है कि बाहर से यानी विदेश से जो जो कुछ कुछ भी वस्तु लाया जाता है, तो सबसे पहले कहाँ पे वो उसको जो है आता है और कहाँ पहुँचता है, तो वो मुंबई में पहुँचता है, इसलिए भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई को कहा गया। अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखेगा, भारत की राजधानी तो वैसे दिल्ली होता है लेकिन वित्तीय राजधानी मुंबई होगा। इसी प्रकार ध्यान रखेगा दोस्तों, यहाँ पर बिहार का वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो बिहार का जो है वित्तीय राजधानी कहाँ है, अगर आप लोग जानते हैं कमेंट में जवाब लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे जान जाइए, बेगूसराय, बिहार का वित्तीय राजधानी कहाँ है, बेगूसराय है, बेगूसराय। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बिहार का वित्तीय राजधानी बेगूसराय, भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। छः नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये दो क्वेश्चन जो अभी बताए हैं, उसको ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? यहाँ पे संतोष, ये कंपनी जो है बहुराष्ट्रीय नहीं है, अर्थात ये सभी राष्ट्र में नहीं होता है, ठीक है। चलिए सात नंबर क्वेश्चन, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साख पत्र जो होता है विश्वास का पत्र, वो 8 प्रकार का होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो विनिमय के 2 रूप होते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक होता है क्रय विनिमय, ध्यान रखिएगा क्रय विनिमय, और एक होता है विक्रय विनिमय, ठीक है, क्रय और एक होता है विक्रय विनिमय होता है। तो विनिमय का माध्यम जो होता है 2 प्रकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्रथम काम कौन सा है? तो विनिमय का माध्यम यानी लेन देन का काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। विनिमय का मतलब होता है लेन देन का काम करना, यानी देन लेन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह किसका कथन है? तो प्रोफेसर पीगू का कथन है। राइट आंसर यहाँ पर डी जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आधुनिक विश्व में उद्योग जो है मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर पीगू की। चलिए यहाँ पे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? तो ट्रेस कॉट का है। राइट आंसर यहाँ पर डी जो है सही है, यहाँ पे ट्रेस कॉट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये 12 नंबर बहुत भीविया क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? यहाँ पे मुद्रा यानी लेन देन करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? मुद्रा है, जो कि आसानी से किसी को ले देकर लेन देन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मुद्रा हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन
क्वेश्चन, मात्र 15 क्वेश्चन जो है ऐसा है जो काफी बार पूछा जा चुका है और काफी इंपोर्टेंट भी है। साक का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे साक का अर्थ होता है विश्वास करना। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। साक मतलब क्या कहते हैं हम लोग दुकानदार भी, कि साक खराब हो गया यानी विश्वास इसका नहीं है, अर्थात साक का जो अर्थ होता है विश्वास करना होता है। अगर आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, व्यावसायिक बैंकों की का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का जो है काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संसाधन है। यहाँ पर गैर मतलब होता है क्या? निजी संस्थागत, यानी जो क्या होते हैं कोई सरकारी संस्थान नहीं होते हैं, वो जो है वित्त प्रदान करते हैं यानी लेन देन का काम, यानी रुपया पैसा जो कर्ज देते हैं वो सबसे लोकप्रिय साधन क्या है यहाँ पे गाँव घर में? तो यहाँ पे महाजन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गैर कारा यानी निजी संस्थागत, यानी निजी तो महाजन हो जाएगा क्योंकि बैंक हो गया या फिर व्यापार, ये सब क्या हो गए हैं, ये सब हो जाते हैं संस्थागत, ठीक है। यहाँ पर करा गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला संस्थान है, यहाँ पे महाजन होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो काफी नॉलेजफुल था, तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।